किचन से निकलने वाले कूड़े कचरे से हम लोग कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, देखिए आज इस वीडियो में। आज भी मेरा ग्रो बैग भरने का तरीका और इस वीडियो में बताई गई जो बातें हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम कितना किचन का जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम उसको ना फेंके तो बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, बागवानी छत पर हम इतनी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इससे छत पर वजन भी नहीं होगा और हमारे पौधे इतने हेल्दी होते हैं, फल सब्जियां, और ये ही हमारा रिसाइकिल चलता रहता है छत से किचन में और किचन से छत में। तो देखिए ये है मेरे पास एक ग्रो बैग जो मैंने एक बोरी से बनाया है। ये मेरे पास खाद की बोरी थी, जो खेतों में खाद डाला जाता है वो ही बोरियां होती हैं, ये कट्टे बोलते हैं इनको गांव में। तो इनसे देखिए कितने अच्छे ग्रो बैग बन जाते हैं। और अगर हम इस टाइम सर्दी में देखिए कितना कूड़ा कचरा निकलता है, ये मेरे पास देखिए जो गर्मियों की करेले की और लौकी की बेल थी वो ही मैंने यहाँ पर डाल दी थी, उखाड़ कर तो सूख गई है। और ये है मेरे पास मिट्टी, ये मिक्स मिट्टी है जो मैंने बनाकर रखी हुई है, इसमें सभी चीजें डाली गई हैं, गोबर खाद, किचन कंपोस्ट और राख, सैंड और चिकनी और थोड़ी सैंडी सोयल, तो सभी चीजें इसमें मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। सॉफ्ट मिट्टी बनी हुई है, ये देखिए कितनी अच्छी खाद युक्त मिट्टी है। और जो ये मैं कूड़ा कचरा ले रही हूँ ये मैंने ड्राई करके रखा हुआ है, इसी पर मैं यहीं पे छत पे इसको डाल के चली जाती थी, और जो ये बेल पड़ी थी मैं इसके ऊपर रख देती थी कि ताकि मंकी इसको ना इधर उधर बिखराएं और इसकी वजह से वो छत पे दूसरे पौधों को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो मैं इसको ढक देती थी। तो ये धूप में अच्छे से ड्राई हो गया है, देखिए कितनी अच्छी इसमें सब्जियां, छिलके, फ्रूट, सब चीजों के। और सर्दियों में तो हमारे किचन से इतनी ज्यादा साग सब्जी के छिलके निकलते हैं क्योंकि सब्जियां ज्यादा होती हैं सर्दी में, तो छिलका भी ज्यादा होता है। और उसको अगर हम इस टाइम ग्रो बैग तैयार कर लें और उसमें देखिए सर्दी के जो हम सब्जी लगाते हैं लीफी वेजिटेबल वगैरह, उनको ज्यादा गहराई वाली मिट्टी की जरूरत नहीं है, पॉट की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे 6-7 इंच का मिट्टी की गहराई चाहिए होती है, उसी में अच्छे से हो जाते हैं साग सब्जियां। तो नीचे हम इसमें ये डाल के कूड़ा कचरा ग्रो बैग में, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सॉयल डाल के उसमें हम पत्तेदार सब्जियां, साग सब लगा सकते हैं। और जब गर्मी में हमें बेल वाली सब्जियां लगानी हो पड़ेंगी तो उस टाइम हमें एक अच्छी एक से एक फसल हम ले लेंगे इससे ग्रो बैग से, सर्दी की जो सब्जी हम लगाएंगे इसमें। तो गर्मी के टाइम पे जब हम ग्रो बैग को पलटेंगे और इससे निकालेंगे तो हमें बहुत अच्छी रिच मिट्टी तैयार मिलेगी, और ये सब तब तक अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगा और खाद हमें बहुत अच्छा मिट्टी मिक्स सभी चीजें इसमें न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे पौधों को चाहिए होते हैं, तो बहुत अच्छी हमें खाद वाली मिट्टी मिल जाएगी, सॉफ्ट वाली। तो हम इसको 1-2 दिन के लिए सनलाइट दिखा के तो फिर से हम इसको ग्रो बैग या जो भी कंटेनर है उनमें भर कर और फिर हम गर्मियों की बेल वर्गीय सब्जियां लगाएंगे क्योंकि उनको मिट्टी भी ज्यादा गहराई वाली चाहिए होती है। तो हमें इस तरह सर्दी में तैयार किए हुए ग्रो बैग गर्मी में बहुत आसानी से हमें बहुत अच्छी मिट्टी मिल जाएगी, और जिनके पास मिट्टी कम है उनके लिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जो अभी से ग्रो बैग ऐसे तैयार कर लें, देखिए कूड़ा कचरा जो भी किचन का गार्डन का मिलता है उस सबको ऐसे बोरे में भर कर नीचे कट्टे में या ग्रो बैग में जो भी है आपके पास उसमें भर लीजिए, और देखिए ये कितना झाड़ू लगा के जो भी गार्डन से निकला है मैंने सब इसमें डाल दिया है, नीचे मोटा मोटा ऊपर थोड़ा बारीक वाला, और अब ऊपर मैं ये बनाई हुई मिट्टी डाल दूंगी इसमें, तो अच्छे से ग्रो बैग मेरा तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं पानी डाल के छोड़ दूंगी, अगर आपके पास बची कुची खट्टी लस्सी मिल जाती है तो मैं, मेरे पास देखिए जैसे मैं मलाई वगैरह से निकालती हूँ, जो लस्सी मेरे पास होती है उसको पीते नहीं हैं हम लोग, तो वो लस्सी मैं इसमें डाल देती हूँ, 1-2 दिन मैं उसको किचन में ऐसे ही रहने रख देती हूँ, जब वो थोड़ी खट्टी हो जाती है तो मैं इसमें जो कूड़ा कचरा इसमें डाला हुआ है इसमें डाल देती हूँ, छिड़क देती हूँ, तो ये इतनी अच्छी
खाद बनती है हमारी, और बहुत जल्दी ही ये कंपोस्ट का रूप ले लेती है, ये खाद बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो ग्रो बैग नीचे दबता चला जाता है और अच्छी खाद इसकी तैयार हमें मिल जाएगी। देखिए अब मैं इसके ऊपर ये मिट्टी डालूंगी और कितनी कम मिट्टी में ये ग्रो बैग इतना बड़ा तैयार हो गया है। तो इसमें हम पौधे भी लगा लेंगे, सर्दी के साग सब्जियाँ, और गर्मियों के लिए हमें देखिए कितनी सारी मिट्टी मिल जाएगी। तो जिनको मिट्टी की प्रॉब्लम होती है, जिनके पास बड़े शहरों में मिट्टी कम होती है, हमारे यहाँ तो चलो मिट्टी की कमी नहीं है, गांव पास में ही है, तो हम लोग तो यहीं से मिट्टी ले लेते हैं। जिनके पास कम मिट्टी है उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। ऐसा करिए आप भी, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों। तो आपको मेरी आवाज़ में कंपन नज़र आ रही हो क्योंकि मेरे गले का ऑपरेशन हो रखा है, कई साल पहले हुआ था, तो इसलिए सॉरी।